बेटी की उम्र की खूबसूरत लड़की से आईपीएस ने लगाया दिल और उसके बाद हो गई गर्भवती। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय पे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। आज की जो सच्ची घटना है वो सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक लड़की जो है अपने घर से बाहर रह रही थी और वो एक वैसे भी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। उसे ये था कि किसी भी हाल में मुझे यूपीएससी क्लियर करना है और आईएएस ऑफिसर बनना है, और वो ऐसे लोगों से हमेशा मिलना पसंद करती थी जो इसी फील्ड में हों, जो ये एग्ज़ाम दे चुके हों, ताकि वो उसे भी गाइडेंस दे पाए। ऐसे में उसकी बात सोशल मीडिया पर होती है यूपी के डीजीपी के पीआरओ से। जी हाँ, और वो जो है जब उनसे मिलती है तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता के उम्र का हूँ, तुम्हें जो भी मदद चाहिए होगी मैं तुम्हारी सभी मदद करूँगा, तो मुझे जब भी हेल्प चाहिए हो मुझे बता देना। एक दिन सब कुछ बदल गया, और बदला कैसे, क्योंकि वो लड़की जो थी वो गर्भवती हो गई, दर दर की ठोकरें खाने लगी, लेकिन कोई भी रिपोर्ट लिखने को तैयार ही नहीं था। अभी भी आगे जांच होगी या फिर नहीं होगी इसका कोई भी अभी अता पता नहीं है, क्योंकि ऐसा वो काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंशियल एक ऑफिसर था, जिस भी थाने में वो कंप्लेंट देने जाती वहाँ यही कह दिया जाता था कि हम उनके खिलाफ जो है कंप्लेंट दर्ज नहीं करवा सकते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ 2019 में जो है ऑफिसर फ़ोन करता है, हालांकि वो मिले 2018 में थे, कभी कभार वैसे नॉर्मली मिलना हो जाता था। 2019 में ऑफिसर फ़ोन कर कहता है कि तुम जो है लखनऊ आ जाओ, यहाँ पर एक मेला लगा हुआ है जिसमें काफ़ी सारे इन्फ्लुएंशियल लोग जो है पहुँचने वाले हैं, जिसमें तुम जो भी रिसर्च वर्क कर रही हो वो भी तुम्हारा पूरा हो जाएगा, और जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज तुम्हारी है तो वो भी जो है तुम उन लोगों से अपने सारे सवाल ले सकती हो, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेना। वहाँ पर टेंट बने हुए थे रहने के लिए, लेकिन उसने बोला, जो आईपीएस ऑफिसर था उन्होंने बोला कि तुम इस टेंट में बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, तो तुम्हारे लिए जो है एक रूम बुक कर दिया गया है, तो तुम वहीं उसी रूम में चली जाओ। एक होटल का नाम उसे दे दिया जाता है, उस रूम में उसे भेज दिया जाता है। और जिन लोगों से उन्होंने मिलना था, जिनमें एक थे इग्नू के प्रोफेसर, उनसे जैसे कि उसने मिलना था, रिसर्च की बात डिस्कस करनी थी, उनसे मिलने के लिए पहले ये लोग होटल के रूम में जाने से पहले मिलते हैं, खाना पीना सब करते हैं, डिस्कशन करते हैं। लड़की को पता था कि वो जो आईपीएस ऑफिसर है वो भी इसी होटल में ठहर रहा है। खाना पीना करने के बाद, रिसर्च की बातें डिस्कस करने के बाद, वो लड़की जो है अपने रूम के अंदर चली जाती है, साथ साथ पीछे पीछे जो है वो ऑफिसर भी उसी के पीछे पीछे उसके कमरे में चला जाता है बात करने के बहाने से, लेकिन उसके साथ जो है जल्द ही गलत काम करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो विरोध करती है तो उसके मुँह पर एक थप्पड़ भी मारा जाता है, और उसके बाद उसे शायद कुछ ऐसा पीने के लिए दे दिया था जिसकी वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं, और उसके बाद सुबह उसे कहा जाता है कि अब जहाँ जहाँ पर भी हम बुलाएंगे तुझे वहाँ वहाँ पर आना होगा, क्योंकि उसकी कुछ न्यूड तस्वीरें जो हैं, जो वीडियोस जो हैं, वो एक रात के अंदर अंदर बना ली गई थी। अलग अलग जो है शहरों में उसे अब बुलाया जा रहा था, पहले सिर्फ एक होटल से लेकर लगभग 2023 तक लगातार 3 साल तक उस वीडियोज़ का डर दिखाकर उसे अलग अलग होटल्स में, कभी किसी दोस्त के घर पर, कभी किसी रिश्तेदार के घर पर, वो आईएएस ऑफिसर जो है वो लगातार उसे बुला रहा था। यूपी के डीजीपी का पीआरओ था वो आईएएस ऑफिसर, जिसका नाम है राहुल श्रीवास्तव, जो कि लगभग डबल एज का था और उसे बेटा बेटा कर बुलाता था। और शुरुआत में जब इनकी बात हुई, जो कि 2018 से शुरू हुई थी फेसबुक के थ्रू, उसके बाद नंबर्स एक्सचेंज हुए, उसके बाद सारी की सारी जो बातचीत हुआ करती थी वो स्नैपचैट के माध्यम से हुआ करती थी, जिसमें हिस्ट्री जो है साथ ही साथ डिलीट हो जाती है। उसके बाद उसे महंगे महंगे गिफ्ट तक दिए जाते थे कि जैसे मैं कहता हूँ तुम उसी तरीके से करती जाओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उस लड़की ने बहुत बार इस चीज़ का विरोध करना शुरू किया और वो अब अपनी राह से बिल्कुल भटक गई थी, और जिस तैयारी के लिए आई थी वो कर नहीं पा रही थी। लेकिन जिस दिन वो गर्भवती होती है तो उसे कहा जाता है कि अबॉर्शन कराओ धक्के से, इल्लीगल रूप से उसका नाम वगैरह बदल कर, अपनी पुलिस की पावर यूज़ कर वो आईपीएस ऑफिसर जो है उस लड़की का अबॉर्शन करवा देता है, जिसके बाद लगातार अलग अलग
पुलिस स्टेशन्स में कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास वो लड़की जो है लेटर्स लिख रही थी कि मेरी कंप्लेंट रजिस्टर की जाए, किस तरीके से 3 साल से न्यूड फोटोज़ दिखाकर पहले मुझे जो है मेरे साथ गलत काम किया गया लगातार 3 साल, और उसके बाद अब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो ये इलीगल एबॉर्शन तक जो है करवाया गया। 2019 से लेके अप्रैल 2023 तक लगातार ये सिलसिला जारी था, और अप्रैल में जो है वो लड़की कंप्लेंट करने के लिए जाती है लेकिन कोई भी उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करता। तो वो लड़की सोशल मीडिया का सहारा लेती है और उसके बाद ट्विटर पर इस खबर को वायरल करने की कोशिश करती है, अपनी सारी आपबीती जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू करती है। और जैसे ही मीडिया की नज़र इस मामले पर पड़ती है, धीरे धीरे कर कर पूरे भारत में ये मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, जिसके बाद कंप्लेंट दर्ज करना वो पुलिस वालों की एक मजबूरी हो जाती है। और कंप्लेंट फिलहाल दर्ज तो कर ली गई है लेकिन अभी भी नहीं पता कि अगर उस आईपीएस ऑफिसर ने अगर सच में ये सब कुछ किया है तो क्या उसकी इतनी इस सीट पे, इस पोस्ट पे होने के बावजूद क्या उस आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर नहीं। क्योंकि अगर आईपीएस ऑफिसर की बीवी की माने तो उसका ये कहना है कि उस लड़की से जो है मुझे, मेरे परिवार को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को जो है आज भी खतरा है। इस तरीके की बात जो है आईपीएस ऑफिसर की वाइफ द्वारा भी कही गई। हालांकि कौन सच्चा है कौन झूठा है इसका अभी तक कुछ भी निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है, फिलहाल केस चल रहा है। हमारा ये वीडियो दिखाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी लोगों को जागरूक करना है जिनके भी बच्चे किसी भी कोचिंग के लिए माँ बाप से दूर रह रहे होते हैं, तो अपने बच्चों को टाइम टू टाइम पर काउंसिल ज़रूर करें कि उनके मन में कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा, क्योंकि उसने भी अपने घर में कभी ये चीज़ बताई ही नहीं थी। बाद में जब हर एक न्यूज़ चैनल पर ये खबर चलने लगी तब जाकर उसके घर वालों को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ। अब ये तो नहीं पता कि भविष्य में वो लड़की आईएएस ऑफिसर बन पाएगी या नहीं, अपना सपना पूरा कर पाएगी या नहीं। फिलहाल अगर इस केस की बात करें, ये फिलहाल केस अभी चल ही रहा है, कहीं वो अपनी पुलिस या ताकत यूज़ कर इस केस को बंद ना करा दे। उसके मन तरीके का भी जो है एक डर हमेशा बना रहता है। आप लोगों की इस वीडियो पर क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि राहुल श्रीवास्तव जो कि डीजीपी का पीआरओ है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए और सच जो है वो निकल कर बाहर आना चाहिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे अन्नी रवाटा के साथ टिपटॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।